2023 के लिए सबको वेरी हैप्पी न्यू ईयर। 2023 आपके लिए बहुत अच्छा गुजरे और उम्मीद है इस साल अपने आप को आप पहले से थोड़ा ज्यादा पहचान पाओगे। तो 2022 में मार्वल ने जो कांड किया है और उससे बैलेंस करने के लिए डीसी ने भी सोचा हम क्यों पीछे रहे। चाहे हमारी 2 मूवीज और 1 सीरीज इस साल अच्छी आई है, हम ऐसा कुछ कर देंगे जिससे फिर भी फैंस हमें गाली दे। तो फेज 4 के बाद मार्वल ने सोचा फेज 5 में अब क्वालिटी ओवर क्वांटिटी पे फोकस किया जाए। तो इसीलिए पिछले साल मार्वल ने जो कांड किया है, चाहे वो शीहल का ट्वर्क हो या फिर थॉर लव एंड थंडर में बच्चों की किडनैपिंग, उस पे मूव ऑन करते हुए इस साल थोड़ी होप्स हाई है मार्वल से, क्योंकि इस साल मार्वल जो माल देने वाला है सब कुछ अभी तक बहुत ही अच्छा और पॉलिश दिख रहा है, लेकिन अब भगवान जाने क्या होने वाला है। तो मार्वल की फेज 5 शुरू होने वाली है एंटमैन क्वांटमेनिया से, जिसकी ट्रेलर से पता लगता है कैंग का पहला सामना होने जा रहा है हमारे स्कॉट लैंग, और अब शायद स्कॉट इसके बाद थोड़ा सीरियस होगा अपनी लाइफ में। वैसे पॉल रूट जैसे एक्टर जितना भी टाइम स्क्रीन पे रहेंगे एक रिलीफ रहता है माहौल में, क्योंकि जितना भी डार्क मोमेंट हो पॉल रूट के पास वो काबिलियत है कि सिचुएशन को लाइट कर दे। लेकिन ट्रेलर से तो पता लग रहा है इस बार उनकी लगने वाली है। तो एंटमैन एंड द वस्प क्वांटमेनिया रिलीज होने वाली है 17 फेब को और उसकी सेकंड ट्रेलर 10 जैन को इंडिया में ड्रॉप हो जाएगा। और मैं वार्निंग दे रहा हूँ, इस साल डीसी और मार्वल तुम्हें सांस नहीं लेने देगी, इतने सारे मूवीज और सीरीज है। और 17 फेब के बाद मार्च से लेकर मई के अंदर ड्रॉप होने वाली है सीक्रेट इन्वेशन, जिसको लेके मेरी हाइप्स थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, क्योंकि कॉमिक्स में जैसा दिखाया गया है अगर इतना सीरियस मामला होने वाला है फिर इस सीरीज के अंत में तुम्हारे पास बैठे दोस्त को भी तुम शक की नजर में देखने वाले हो, क्योंकि कॉमिक्स में तुम जिस भी कैरेक्टर के ऊपर भरोसा करने जाओगे दूसरे ही मोमेंट वो एक स्कल निकल जाएगा। वैसे एमसीयू में अभी तक तो स्कल्स को अच्छे दिखाए गए हैं, लेकिन भगवान जाने आगे क्या होगा। और इसके सीधे बाद 5 मई को थिएटर्स में आने वाली है गार्डन्स ऑफ द गैलेक्सी 3, जिसको डायरेक्ट किया है डीसी के करंट को सीईओ जेम्स गन ने। वैसे जेम्स गन का सफर अब तक तो डीसी में उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन एमसीयू में उन्होंने जितना भी दिया है सब कुछ बवाल है, और इस मूवी को लेकर भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अभी तक पॉजिटिव है। इसकी पहली ट्रेलर थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग लग तो रही है और कुछ ज्यादा क्लियरली नहीं बताती, लेकिन मजा तो इसमें ही है ना। एकदम अनसर्टेनिटी के साथ थिएटर्स में जाओ और प्रॉपर मूवी का मजा लेकर आओ। फिर 1 महीने के अंदर अंदर 2 जून में रिलीज होने वाली है स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स, और अगर अभी तक इसका पहला ट्रेलर नहीं देखा तो मैं बता दूं इस मूवी में करीब 200 से ज्यादा अलग अलग स्पाइडरमैन होने वाले हैं, उनमें से तो एक इंडियन स्पाइडरमैन भी होगा। क्यों, एक्साइटमेंट बढ़ गई ना? वैसे बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि इसकी पिछली मूवी इनटू द स्पाइडरवर्स बहुत ही खूबसूरत मूवी थी, और अभी तक का मार्वल का बेस्ट एनिमेटेड कुछ काम अगर मार्केट में है तो वो यही है। और इसके बाद भी एक मूवी आने वाली है बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स, लेकिन अभी उसे टाइम है, करीब 1-2 साल बाद आएगी। लेकिन गुरु 2 जून तुम्हें एक और बार मार्वल से कुछ स्पाइडरमैन को लेकर अच्छा माल देखने वाले हो, और इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, मार्क माई वर्ड्स। और फिर उसके बाद 28 जुलाई को आने वाली है मिस मार्वल की मूवी, इसको लेकर अभी तक तो कुछ ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है, लेकिन 2 महीने के अंदर इसकी पहली ट्रेलर ड्रॉप हो जाएगी, और इसमें मिस मार्वल के अलावा भी कैप्टन मार्वल, मोनिका रैम्बो, मारिया रैम्बो भी अपियर होने वाली है। और कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी जिसमें बोला गया जब भी मिस मार्वल एंड कैप्टन मार्वल अपने पावर्स यूज करेंगी तब वो एक दूसरे से जगह बदल लेगी, फिर वो फाइट कैसे करने वाली है। वैसे मार्वल से तो भरोसा करीब उठ ही चुका है, लेकिन ब्री लार्सन पे हमें अभी भी भरोसा है। वैसे सिंपिंग को थोड़ा साइड में रख के आगे की बात की जाए तो जुलाई में ही या फिर अगस्त के पहले वीक से शुरू होने वाली है लोकी 2, और उसका ट्रेलर कुछ ही महीनों में ड्रॉप हो जाएगा और कॉन्फर्मेशन भी मिल जाएगी। लोकी 2 में कैंग को दिखाने वाले हैं, ये तो कंफर्म है, लेकिन अगर थोड़ा ज्यादा उम्मीद की जाए तो एंटमैन भी अपीयर हो सकता है। वैसे उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, वरना हम डेयर डेविल को देखने के लिए शीहल का टॉर्चर थोड़ी सहते। और लोकी खत्म होने के जस्ट बाद सितंबर में आने वाली है आयरन हार्ट की सीरीज, वैसे इसमें हमारे टोनी स्टार्क को भी एक और बार देखने मिल सकता है, लेकिन एज एन AI। वैसे उनकी जगह अगर सिर्फ उनकी वॉइस को भी कास्ट की जाए तो जनता पागल होने वाली है। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, आयरन हार्ट का सूट ब्लैक पैंथर में जैसा दिखाया गया है वैसा ना हो, नहीं तो जनता माफ नहीं करेगी, देख लेना। इसके बाद 6 अक्टूबर को आने वाली है क्रेविन द हंटर, अगर इनके बारे में नहीं पता तो जान लो ये स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में सिनिस्टर 6 का एक मेंबर है, और जेसन मोमोआ इसके लिए परफेक्ट कास्ट हो सकते हैं, लेकिन शायद ही वो सपना पूरा होगा। वैसे फिलहाल तो ये मूवी एमसीयू में सेटअप नहीं होगी, ये सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स में टेक प्लेस करने वाली है, लेकिन हु नोस, पैसे का नशा तुम्हें कब सोनी से एमसीयू में लाके पटक दे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, साल खत्म होते होते हमें शायद देखने मिलेगा अगाथा कोवेन ऑफ कैओस, लेकिन अभी तक इसको लेके कन्फर्मेशन नहीं है, 2023 के एंड में या फिर 2024 के शुरू में आ सकती है, लेकिन हैलोवीन इसके लिए स्वीट स्पॉट होगी अगर मार्वल को इससे अच्छा कमाना है तो। तो इसी के साथ 2024 मार्वल के लिए एंड होता है, और बोला था ना सांस नहीं लेने देगी। वैसे अगर मुझे इतनी देर तक झेल ही लिया है फिर एक लाइक तो बनता, ऊपर वाला भला करेगा तुम्हारा। और ऐसे ही अपडेटेड रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड मी साइनिंग ऑफ, यू जस्ट वॉच्ड शो डिफाइन। सो प्लीज सब सरकार 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 व्हाटएवर।